नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल आज आपके सामने एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। लेकिन उस न्यूज़ से पहले मैं आपको बता दूँ, जिस बच्चे ने विश्वास बस नहीं लिया है वेटिकन ऐप से, आप उसको ले लीजिएगा। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? और इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी, आपको जब हम बात करेंगे तो 1199 रुपीज़ में, 1199 रुपीज़ में एक साल के लिए वैलिड रहेगा। अरे भाई, क्योंकि इसका कोई मतलब एक तरीके से हम श्योर नहीं है ना। पहले तो बोला गया था कि फरवरी महीने में जो है डी ग्रुप का एग्जाम हो सकता है, तो अभी संभावित जो महीना बताया जा रहा था वो कब बताया जा रहा था? फरवरी महीने में। लेकिन अभी ये डाल दिया गया कि खत्री साहब ने कहा कि हम तो यार चाहते हैं कि, हमने तो एनडीए को फरवरी में ही बोल रखा है, लेकिन अभी उसके फरवरी के बाद वो अभी तारीख दे नहीं रहे हैं और मार्च महीने में जो स्कूल के एग्जाम होंगे, और स्कूल के एग्जाम होंगे तो क्या किया जाए? इसका मतलब ये पेपर कब जा सकता है? ये जा सकता है आने वाले अप्रैल मई तक ये एग्जाम जा सकता है। जो पहले बोला भी जा रहा था कि भाई इतना जल्दी ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि डी ग्रुप का एग्जाम इतना जल्दी ले लेंगे, लेकिन तारीखें एक बार बीच में आया भी था कि तारीखें भाई एनटीए को बता दी गई हैं कि भाई आप फरवरी महीने में ले लो, लेकिन अभी तक एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे सी ग्रुप में हुआ था सेम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो इसलिए आपके पास मौका है कि जो हमने एक साल की वैलिडिटी दी विश्वास बैच के लिए ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, और इसको ग्रुप सी वाले जो जिसको मेन्स पेपर दे रहे हैं, मतलब क्वालिफाई होने के बाद जो चार गुना वाले बच्चे जो एग्जाम देंगे वो भी इस बैच को ले सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जो आपका पोस्ट ओरिएंटेड जो आएगा ना, वो तो 15% ही आएगा ना, तो ये 85% तो आप यहां से ले सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ले लीजिएगा। तो हम बात करने आए हैं किसके बारे में? हम बात करने आए हैं भाई कि भाई जो 40,000 पोस्ट के लिए अभी हाल ही में सी ग्रुप की भर्तियां होनी है, और जब मैं डी ग्रुप की भर्तियों की बात करूंगा तो डी ग्रुप में लगभग कितनी भर्तियां होनी है? लगभग 22,000 भर्तियां होनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 62,000 भर्तियां होंगी, मतलब आने वाला 2023 जो है वो अच्छा एक समय होगा कि हरियाणा के लगभग 62,000 घरों में जो है नौकरी के दिए जलेंगे। और वो दिए जब कब जलेंगे उसका तरीका, उसमें दो चार चीज़ें अभी इसमें दी हुई हैं। सबसे पहले तो हम ज़्यादा इंतजार जिसका कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई अप्रैल मई में संभव है ग्रुप डी पदों के लिए सीयूटी। इसमें खत्री साहब ने कहा कि हमने तो वैसे बोल दिया था जो है एनटीए को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कब होगा, मतलब फरवरी महीने में संभव है। तो इन्होंने लिखा कि अप्रैल और मई तक ये संभव ऐसा लग रहा है कि आप ये जाएगा कब तक? अप्रैल और मई तक जाएगा। दूसरी बात हम बात करेंगे ग्रुप सी पदों की, बात करते हैं तो अभी भी यही बात सामने आ रही है, क्वालिफाई वाला सिस्टम अभी नहीं हुआ है, तो आप जो है वही चार गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और चार गुना बच्चे मतलब जो आप मान सकते हैं इस बात को कि भाई वही, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गुना चार, तो गुना चार बुलाएंगे तो 200 पोस्ट निकलेंगे, तो 800 बच्चे पेपर देंगे। लेकिन फॉर्म भरने का अधिकार सबको मिलेगा जो 50% से ऊपर या 40% जो आपका क्राइटेरिया है उससे ऊपर जितने भी, उन सभी को मिलेगा। लेकिन वो बात होगी जो भाई सबसे ऊपर वाले 800 बंदे होंगे ना, वही मतलब 200 पोस्ट वाले मामले में बात करूं, 1000 पोस्ट होंगी तो केवल कितना, 4000 बंदों को बुलाएंगे, 4000 होंगे तो जो है 16000 बंदों को बुलाया जाएगा। लेकिन वो सभी पोस्ट के लिए एक परफॉर्मा बनाया जाएगा प्रेफरेंस के अनुसार, और जो प्रेफरेंस में सबसे ऊपर 800 बच्चे होंगे वही बंदे है पेपर देंगे, और इसका मतलब बहुत अच्छे लेवल के बच्चे, मतलब वो 800 बच्चे वो पढ़ने वाले, केवल पढ़ने वाले बच्चे होंगे उसमें, तो आप तैयारी में जुट जाओ भाई अभी, मतलब जो है एक सेकंड भी ऐसे खराब नहीं होने चाहिए। अब भाई चलो ठीक है, रिजल्ट आएगा जब देखते हैं मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं, वो पता नहीं किस पोस्ट के ऊपर कौन सी प्रेफरेंस, कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिला होगा क्या कि भाई मान लो 6 पोस्ट है किसी की, और 6 पोस्ट में भाई अच्छे ही हैं यार, इसमें तो कौन मतलब नहीं, इसमें तो मेरा नंबर कहाँ पड़ेगा। फिर इसमें बहुत सारे बच्चे, आप ही देख लो, आप भरते हो फॉर्म को, कई बार नहीं भरते हैं, तो वो नहीं भरते हैं तो वो 6 पोस्ट में क्या बता, ओरों में तो जहाँ 500 पोस्ट थी वहां तो लिस्ट गई 70 पर कि 70 से ऊपर वाले जो है वो केवल एग्जाम देने वाले हैं सी ग्रुप का मेन, लेकिन इससे में क्या चली गई, 65 से ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि सबने सोचा कि मेरा नंबर तो कहाँ आएगा यहाँ, तो मैंने प्रेफरेंस भरी ही नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें पोस्ट तो बहुत है, 6 ही पोस्ट निकली हुई है। तो इसलिए भाई तैयारी सारे जुड़ जाओ, खासकर वो बच्चे, मैं बोल रहा हूँ जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो 60 से ऊपर वाले सारे बच्चों को तैयारी मतलब करनी चाहिए, जहां तक मेरी सलाह मैं बात करूं। और जनरल के अलावा जब आप एससी की ओबीसी की बात करते हैं तो आप 3-4 नंबर घटा दो, एससी में और 5 नंबर घटा दो, बस इतना ही कर सकते हैं। मतलब मैं कम से कम बोल रहा हूं कि इतने से ऊपर वाले बच्चे अपनी हिम्मत छोड़े ना, आप छोड़ेंगे तो बिल्कुल कैसे नौकरी मिलेगी। तो आप लगे रहें लगातार, मैं नहीं कर रहा कि डी ग्रुप में सपना होता लगने का, लेकिन नौकरी मिले तो अच्छी बात है ना, से तो अच्छी है ना,
तैयारी करते जाना साथ साथ में, तो आप सी ग्रुप की तो तैयारी कर ही रहे हैं तो डी ग्रुप की भी साथ में तैयारी हो जाएगी कम से, वो तो मेरिट बेस पे ही है, जो सबसे ऊपर नंबर लेगा वो 22,000 बंदे सिलेक्शन हो जाएंगे, सीधा रिजल्ट आएगा उसका तो। और जब ये अप्रैल मई तक जाने का लॉजिक भी यही है कि लास्ट तक जाएगा ये, मतलब जब चुनाव होंगे उससे जस्ट पहले इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं निकालने वाले ये। तो भाई तैयारी करते रहो, और इसमें अभी आली की जब हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें बोली गई हैं, खासकर अभी जिक्र हुआ था 7,471 जो टीजीडी पदों का, तो टीजीडी की भर्तियां हैं उसका लिंक भी पता नहीं अभी तक लिंक क्यों एक्टिव नहीं हुआ है। वो एक्टिव इसलिए नहीं हुआ कि उसमें बहुत सारी खामियां थी, उस खामियों के कारण ऐसा हो पाया, या फिर अभी हाल ही में जो खिलाड़ियों को 3% कोटा दिया गया है, भाई नौकरियों में 3% कोटा मिला है ना, पहले खत्म कर दिया था अभी, लेकिन दोबारा से 3% कोटा दिया गया, तो फिर दोबारा से इन बच्चों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा कि भाई, क्योंकि दोबारा से लिंक एक्टिव होगा तो इसका मतलब नया नोटिफिकेशन उसमें आ सकता है। वही पीजीडी की बात करूंगा तो इसी तारीखें आगे बढ़ा दी गई, तो ये बच्चे जो हाल ही में जिसने एस्टेट दिया था वो बच्चा भी उसमें कंप्लीट कर पाए, तो भाई नौकरियां मतलब आने वाले 2023 में हरियाणा एसएससी तो लगी हुई है, कहाँ 45,000 नौकरियां जीडी की हों, 4,500 सीएचएसएल हों, या सीजीएल में भी अच्छी खासी नौकरियां आने वाली हैं, रेलवे भी 1.5 लाख पोस्ट निकालने वाला है, तो आने वाला 2023 यदि निकल गया आपके हाथ से तो मैं ही कह रहा हूँ कि फिर नौकरी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पिछले 2-3 साल की रुकी हुई नौकरियां आ रही हैं अभी, ठीक है, कोरोना के बाद वाली। तो भाई तैयारी करते रहो, और जिस बच्चे को तैयारी करनी है, सटीक तैयारी करनी है, तो आप विश्वास बैस ले सकते हैं मेडिकन ऐप से 1199 रुपीज़ में, और ये मौका है आपके पास, लाइव होम क्लासरूम मिलता है, पीडीएफ इसमें मिलती हैं टाइम पर। और एक और मैं आपको बताऊं, केवल ग्रुप डी के अकॉर्डिंग आपको उसी पैटर्न पर, जैसे एनटीए ने सी ग्रुप का पेपर दिया था उसी पैटर्न पर टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको मिलने वाली है, तो जरूर आप जुड़ सकते हैं वेटिकन ऐप के साथ, विश्वास बस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद जय भारत।